हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 13 14 15 16 सेट चैप्टर आपका। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देगा। ठीक है, तो देखो आपका 13 है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो आपका सर्वे हुआ जिसमें आपका स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो है आपका, टोटल स्टूडेंट्स जो है आपका स्कूल में वो कितने स्टूडेंट्स, 600 है। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टी ले रहे थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपका टी ले रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे, 150 है। ठीक है, फिर इसके बाद 225 टेकिंग कॉफी, तो आपका कॉफी कितने ले रहे हैं, 225। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका 100 जो थे वो दोनों ले रहे हैं टी और कॉफी, तो टी और कॉफी जो है, टी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हैं आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे, 100 दोनों हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा क्या गया है आपसे इस क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना कॉफी ले रहे हैं ना आपका टी ले रहे हैं। ठीक है, तो नीदर स्टूडेंट्स, नीदर स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी, यही पूछा है आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट आपका टी और कॉफी ले रहे हैं। ये तो पूछा गया है कि कितने नहीं ले रहे टी और कॉफी, दोनों जो है टी और कॉफी वो कितने आपका नहीं ले रहे, ये पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने ले रहे हैं, तो कितने ले रहे हैं आपका टी और कॉफी, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, टी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं वो क्या है आपका, टी और कॉफी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी, तो ये एन टी यूनियन सी। ठीक है, इसी से हम इसको फाइंड कर लेंगे, देखना कैसे। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका स्टूडेंट, टी यूनियन सी, ये है आपका एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आपका सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे आपका इसको फाइंड करता हूँ, एन टी कितना है आपका स्टूडेंट, 150, फिर इसके बाद आपका प्लस 225 माइनस 100, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 150 प्लस 225 375 माइनस दिस, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट 275 जो आपका टी और कॉफी ले रहे हैं। तो ये नीचे में आपको दिख रहा है सही से। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका टी और कॉफी ले रहे हैं, तो कितने आपका टोटल स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं तो आपका कितने जो होंगे वो आपका टी और कॉफी नहीं ले रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अब जो टोटल बच्चे हैं तो टोटल स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जैसे कि टोटल बच्चे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स, टेकिंग टी और कॉफी, और यहाँ पे प्लस में आपका वो स्टूडेंट्स, नीदर टेकिंग टी नॉर कॉफी, तो ना टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं, तो आपका स्टूडेंट कितने टोटल यहाँ पे, 600 है। ठीक है, स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी 275 हो गए, और ये जो हो गया आपका, इसको आप मान लो नीदर टेकिंग टी नॉर कॉफी, तो आपका ये दोनों ही नहीं ले रहे, तो इसको मैं लिख देता हूँ टी यूनियन सी, इसका आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एन टी यूनियन सी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है आपका स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 325, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, पूछा ये गया था आपको, तो आपको सहारा लेने था इसके अपोजिट चीज का, इसका अपोजिट क्या, कि कितने स्टूडेंट आपके टी और कॉफी ले रहे हैं, तो टी और कॉफी कितने ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले से आपका वो आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखा है उसमें इतने टी और कॉफी ले रहे हैं, तो बाकी बच्चे जो नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या कहते हैं यहाँ पे 325, तो ये आपको दिख रहा है सही से स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपका स्टूडेंट्स, ये है
इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो आप कितने जानते हैं हिंदी, तो एन एच जो है आपका वो 100 है, ठीक है। फिर इसके बाद 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश आपका कितने हैं 50, ठीक है। फिर इसका 25 नो बोथ, तो आपका इंग्लिश और हिंदी जो है वो 25 दोनों जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, तो आपका हर एक स्टूडेंट जो है आपका वो चाहे हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके ग्रुप में है। जैसे पिछले वाले में क्या था कि 600 बच्चे थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 600 बच्चे थे, उसमें ये नहीं था कि 600 आपका कॉफ़ी भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, उसमें कुछ आपको कॉफ़ी चाय दोनों पी रहे थे और कुछ दोनों नहीं पी रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपका स्टूडेंट, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं वही टोटल बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले आपको बोला है कि ये आपका क्या है, इस ग्रुप में हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, वो आपको इसमें दे रखा है स्टेटमेंट में। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में, तो आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल, एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू आपका एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच यूनियन ई, ये आपका एन एच कितना 100 प्लस 50 माइनस 25, तो ये हो गया आपका 150 और ये हो गया आपका 125, एन एच यूनियन ई, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस ग्रुप में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये 14, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको 15 कराता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 कर लोगे तो 16th भी आप कर सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम से हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा वेन डायग्राम से, बड़े प्यार से। तो आपको देखना है कैसे, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो टोटल कितने पीपल है आपके 60 पीपल है, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो तीन तरह के, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो आपका कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने होनी चाहिए या एक से ज़्यादा, ठीक। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, खाली खाली वो एक न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए। तो आपके तीन तरह के न्यूज़पेपर है, तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, एक बढ़िया सा वेन डायग्राम यहाँ पे बनाओ, सबसे बढ़िया सा, ठीक है। तीन सर्कल आप ड्रॉ करो ऐसे इस टाइप में, ठीक है। तो देखो आपका, आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एच है, टी है और आई है, तो ये एच न्यूज़पेपर हो गया, ये टी न्यूज़पेपर हो गया और ये आपका स्टूडेंट्स आई न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। फिर देखो आपका इसमें बोल रखा है जो नंबर ऑफ एच है रीड करने वाले वो कितने, आपका नंबर ऑफ एच वो है टोटल आपका 25, फिर नंबर ऑफ टी जो है वो 26 है और नंबर ऑफ आई जो है वो भी आपका 26 है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको बोल रखा है नंबर ऑफ एच एंड आई, तो आपका एच इंटरसेक्शन आई वो कितने हैं 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी ये कितने हैं आपका 11 है और नंबर ऑफ टी एंड आई ये आपका कितने हैं 8 है। और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपका स्टूडेंट एच टी और आई वो कितने स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 3, ये 3 है, ठीक है। तो इसी से हमें सॉल्व करना है आपका फर्स्ट वाला पार्ट भी और सेकंड वाला पार्ट भी, तो ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यही नहीं पता नंबर ऑफ एच टोटल आपका 25, तो ये पूरा सर्कल जिसमें ये भी और ये वाला पार्ट भी आ रहा है, फिर टी जिसमें आपका ये वाला पार्ट भी आ रहा है इसके साथ साथ, फिर आई में आपका ये और ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई में आपका कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, एक ये और एक ये, फिर एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी में आपका एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और टी इंटरसेक्शन आई में एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, और एच टी आई में आपका ये जो बीच वाला पार्ट है ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, क्योंकि यही कॉमन है इन तीनों में आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपका इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, इसको सी, फिर इसको डी, इसको ई, एफ, इसको ये ई है और ये जी, ठीक है। और जो आपका टोटल ग्रुप में, ऐसा तो नहीं बोला कि सारे के सारे आपका ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं,
ऐसा तो बोला नहीं है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि 100 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी जानते हैं और 50 इंग्लिश जानते हैं, और वो ग्रुप ऐसा है कि उसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं चाहे हिंदी बोलते हैं चाहे इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बता रखा था। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि आपका इतने टी और कॉफी दोनों पीते हैं, और बहुत सारे हैं जो कि ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है आपका कि इसमें ये तो नहीं बोला कि सारे के सारे एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा तो बोला नहीं है। यानी आपका जो ये वाला पार्ट है, जो ये जो इस सर्कल को छोड़ के पार्ट है ये, यानी आपका इसको ले लो एच, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप जो बोल रखा है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ देखो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो सर्वे ऑफ 60 पीपल यानी ये पूरा का पूरा जो ये यूनियन है, ठीक है, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट, तो आपका यूनियन एंड यूनियन जो है आपका टोटल पूरा वो क्या है 60 है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, ये टोटल जो ग्रुप है ये आपका ये 60 लोगों का है जिसमें कि आपकी एच टी आई है, और ये वाला पार्ट बचेगा ये स्मॉल एच है, ठीक है, इस एच से इसको रिलेट मत करना। तो ये स्मॉल एच है आपका, ये वाला वो बंदा होगा जो न्यूज़पेपर इन तीनों में से कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो यूनियन है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका इन सबको ऐड करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी D, E, F, G और ये हो गया आपका H। तो टोटल को मिला के आपका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 60 है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सही से। तो आपका ये टोटल जो आठों हैं इनको मिला के आपका टोटल जो ग्रुप है वो कितना है 60 है। अब नंबर ऑफ H में देखो, H में आपका क्या क्या आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, E आ रहा है और D आ रहा है, ये चार आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया A, B, D और E, ठीक है। फिर टी देखो, टी में C, F, B, E, तो आपका C, F, B, E। फिर इसके बाद आई, आई में क्या क्या आ रहा है, G, F, E, D, या फिर मैं लिख दूं D, E, F, G, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एच और आई में कौन कौन सा कॉमन है, एक ये वाला पार्ट कॉमन है, ई और डी यानी डी और ई, ठीक है। फिर एच और टी में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बी और ई। फिर आई और टी में आपका कौन सा पार्ट कॉमन है स्टूडेंट्स, एक एफ और एक ई, तो ये हो जाएगा ई प्लस एफ। और फिर देखो आपका इन सब में कौन सा कॉमन वाला पार्ट है, ये ई वाला पार्ट कॉमन है, तो ये हो गया आपका ई। तो यहाँ से आपका क्या फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास आ गया ई, ठीक है। ये आप देखो ई आपका डायरेक्ट 3 आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे यहाँ से बाकी सारे एलिमेंट्स आपके फाइंड हो जाएंगे, मैं साइड में ही लिखता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में अपने दिमाग में करके। तो आप भी अपने चाहे तो पेन से कर लेना चाहे अपने दिमाग में। तो जैसे ई है, ई यहाँ पे 3 है, तो ई प्लस एफ कितना है, 8 है, तो यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ई 3 एफ 5, ठीक। फिर यहाँ पे आपका देखो स्टूडेंट्स ई 3 है, तो यहाँ पे ये बी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ई 3 है, डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी आपका 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा यहाँ पे डी ई एफ जी, तो आपका क्या क्या है, ई है आपके पास, एफ है और डी है, तो यानी कि जी आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपका जी क्या आ जाएगा, ये है आपका डी ई एफ, तो आपका 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, और जी आ गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे 12, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, ये है आपके पास डी, डी तो ये नहीं है, एफ बी ई, एफ बी और ई, 8 5 13 3 16, आपका सी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, सी आ जाएगा आपका 10। तो ऊपर में क्या बचा आपका स्टूडेंट, ए बचा, तो बी डी ई, बी आपका 8 14, ये 3 17, और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 8 आ गया। तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए A, B, C, D, E, F, G, ठीक है, और यहाँ से आपका H जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये A, B, C, D, E, F, G को ऐड करवा, तो 3, 5, 8, 16, 22, 34, 44 और 52, तो H जो है ये 52 प्लस H इक्वल्स टू 16, तो H क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, H आ गया आपका 8, ठीक है। अब करते हैं हम इस पे क्वेश्चन, तो ये इतना फाइंड हो गया, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको यही निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है आपका, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो कम से कम आपका एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर। तो ये देखो आपका, तो एक न्यूज़पेपर कम से कम, ऐसा नहीं है कि दो या तीन, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर, तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया सी, क्योंकि खाली खाली एक न्यूज़पेपर बोला है, और ये हो गया आपका जी। तो यानी एक न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया आपका ए प्लस सी प्लस जी, यही हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। ए प्लस सी प्लस जी आपका क्या आ गया, ये ए प्लस सी प्लस जी कर दो, तो ये है आपका ए, 8 हो गया, 10 18, और फिर आपका जी जो है वो क्या है, 12 30। ये हो गया आपका कम से कम एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे हैं। फिर नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो खाली खाली मतलब कि एग्जैक्टली, अच्छा, एक सेकंड स्टूडेंट, इसमें आपका एक गड़बड़ जैसा हो गया। हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये आपका सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है जो हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इसमें ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो पढ़ने में, तो मैं बता रखा है रीड बहुत ज्यादा है, तो ध्यान देना थोड़ा। तो आपका हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर आपका सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें आपका ए प्लस सी प्लस जी आपका आ जाएगा 30। खाली खाली आपका एक जो न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ा जा रहा है वो क्या है, ए प्लस सी प्लस जी, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका कि हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में आपका क्या होगा कि कम से कम वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या उससे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ये पूरे मतलब जो आपको पूरा सेट दे रखा है 60 लोगों का, उसमें खाली खाली ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये नहीं पढ़ रहा है, और ये सारे के सारे आपके पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन पढ़ रहा है आपका, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो ये टोटल आपका ए सी डी ई एफ जी कितना है, 52 है। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो ये देखो स्टूडेंट, ये है आपका जो सेकंड वाला पार्ट है, हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर में ए सी और जी है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है आपका ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके टोटल हो गए कौन से, जो कि आपका एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी एक कम से कम एक न्यूज़पेपर। तो उसमें आपका ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा खाली खाली इसको छोड़ के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है, तो आप इसको ध्यान से देना, देखना मेरे से, बस ये शफलिंग में थोड़ा हो गया, तो आप इसको ध्यान से देखना, आपका फर्स्ट और ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट, ये 15th क्वेश्चन हो गया। 16th क्वेश्चन मैं आपको फाइंड कराता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे 16th क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके, तो ध्यान देना आप लोग, ये है आपका, अब ध्यान देना इसको। तो अब देखो आपका 16th क्वेश्चन क्या है, तो 16th क्वेश्चन भी इसी टाइप में होगा, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, आप देखना यहाँ पे, ठीक है। तो इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, तो आपका 21 ए प्रोडक्ट, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, और 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, 12 लाइक दिस, 14 लाइक दिस, और 8 लाइक करते हैं आपका तीनों के तीनों, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो खाली खाली सी को कितने, खाली खाली सी, यानी जो आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या आपका जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं, यानी उसमें हमने खाली खाली जो एच टी आई था उसका जो अपर पार्ट था वही लिया था। इसमें भी वही क्या होगा, सी का जो लोअर पार्ट होगा, यानी अपर पार्ट या लोअर पार्ट कह लो, ठीक है, जो ऊपर से देखो तो अपर पार्ट, और नीचे से देखो तो वो लोअर पार्ट है, ठीक, तो वो वाला आपको बस लेना है, क्योंकि आपका वही बोल रखा है, ठीक है। तो ये है आपका, ये तीन चीजें हैं, प्रोडक्ट ए बी और सी, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको यूनियन का नहीं दे रखा, मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा कि ये टोटल कितना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका 21 लाइक प्रोडक्ट ए, तो ए को आपका 21 लाइक करते हैं, ठीक है। फिर आपका बी को, बी को कितने लाइक करते हैं, 26। सी को आपका कितने लाइक करते हैं, 29। फिर आपका 14 जो है, ए और सी, ए और बी, यहाँ पे आपका 14। फिर 12 को आपका ए और सी, तो ये हो गए 12, ठीक है। फिर इसके बाद बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया आपका,
14, ठीक है, और तीनों को आपका ए बी और सी तीनों को आपका 8 लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया स्टूडेंट्स आपका। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सी ओनली का मतलब ये समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका, हम किसी और नंबर से चलते हैं, मान लो डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी यहाँ पे है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये डी ले लिया आपने, ये ई ले लिया, एफ जी एच आई और जे, ठीक है। तो ओनली ओनली सी में आपको कौन सा वाला पार्ट आ गया स्टूडेंट, खाली खाली जे, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट खाली खाली, ये वाला पार्ट आपका, ये जो है ये वाला पार्ट आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो है जे वाला पार्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है, सी में, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका फाइंड करेंगे, खाली खाली जे हमें फाइंड करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आया आपका, तो ए में आपका कौन कौन सा आ रहा है, सबसे पहले हम ए बी सी में आपका इंटरसेक्शन क्या है, एच है, ठीक है, ये वाला पार्ट है ए बी सी, तीनों में आपका एक तो एच हो गया। फिर आपका बी और सी में, बी और सी में देखो आपका स्टूडेंट्स आई और एच, तो आई प्लस एच हो गया। फिर आपका ए और सी में आपका जी और एच हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ए और बी में आपका स्टूडेंट ई और एच हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो सी, सी में आपका सी में क्या है, जी एच आई जे, ये चार हो गए सी में आपका, ये पूरे के पूरे जी एच आई जे, जी एच आई और जे। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे बी में ई एफ एच आई, तो ई एफ एच और आई, ठीक है। और ए में आपका स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, डी ई जी एच, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका DEGH। तो हम सब कुछ फाइंड कर लेते हैं, हमारा जे भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एच 8 है, यहाँ पे आपका आई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एच 8 है, जी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एच 8 है आपका, तो ई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका एच 8 है, आई कितना है, एच आपका 8 है, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, और आपका जे यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 18, और ये आ गया 11। तो आपका वैसे तो आंसर आ गया एग्जैक्टली लाइक प्रोडक्ट प्रोडक्ट सी। कौन सा वाला है आपका, जे वाला पार्ट, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 11 आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 11 आंसर, मैं वहां पे बाकी आपके क्वेश्चन बाकी भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो आपका एच 8, ठीक है, आई 6 14 14 20, ये आपका एफ आ जाएगा 6। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका DEGH, तो डी निकालना है आपको, एच है आपका 8 4 12, और ई कितना आया 18, और ये आ गया आपका 3। तो आपका ओनली ओनली जो प्रोडक्ट सी है, लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, एग्जैक्टली लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो खाली खाली ये जे वाला पार्ट है, ये जो जे है, ठीक है, तो आपका ये कितना है 11। यहाँ पे आज स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए आपके 13 to 16 क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन के अलावा कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको मेरा कुछ भी बेकार लगता है कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप का भी नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।